जो पौधों की ग्रोथ के लिए, फलों के लिए, फूलों के लिए बहुत अच्छे से ग्रोथ करने के लिए ये काम करता है। तो मैं इन्हीं प्याज के छिलकों से आपको दो प्रकार से खाद बनाना दिखाती हूँ मैं। एक खाद मैं ऐसी फर्टिलाइजर लिक्विड में तैयार करूँगी जिससे आप पेड़ों के ऊपर स्प्रे कर सकते हो, और दूसरी है मैं इनको वैसे करके दिखाती हूँ खाद, सूखी खाद। तो अभी देखिए गाइज, मैंने लिए एक बाल्टी, इसके अंदर ये पूरे प्याज के छिलके हैं, जितने इसमें स्टोर हो सकते हैं उतने डाल देती हूँ। मैंने इस बाल्टी को अच्छे से दबा दबा के ढंग से भर दिया है प्याज के छिलकों से। अब इसमें पानी डाल देती हूँ। ये मैंने पानी से बाल्टी को पूरा भर दिया है कि अच्छे से डिप हो जाए ये ढंग से प्याज के छिलके, इस तरह से। अब इसको बाल्टी को मैं 48 घंटे के लिए ढक्कन से ढक के और रख देती हूँ, और फिर दिखाती हूँ आपको कैसे फर्टिलाइज़र बन के तैयार होता है और कैसे यूज किया जाता है। ये मेरे हैं सूखी खाद बनाने के लिए बचे हुए छिलके हैं। अब इनको थोड़ा धूप लगाकर और इस तरह से इनको थोड़ा बारीक बारीक से ऐसे मसल लूँगी और फिर पेड़ों में डाल के दिखाऊंगी आपको। तो इसके अंदर बहुत कुछ पौष्टिक तत्व होते हैं पेड़ों के लिए, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, पोटास है। इस फर्टिलाइज़र में B1, B2, B3, B5, B6, B9, विटामिन सी जो 7.6 ml होता है, और कैल्शियम 23% होता है, 10% मैग्नीशियम होता है, 29% है, फास्फोरस होता है, और 14.6 potassium ml होता है इसमें। जिंक है 0.70% होती है, सल्फर होती है इसमें। ये बहुत से इसमें विटामिन्स होते हैं जिसके पेड़ों में जो भी कमी होती है वो पूर्ति हो जाती है, और पेड़ अच्छे से ग्रोथ करते हैं, अच्छे से फलवार देते हैं, पैदावार देते हैं। तो ये घर की चीज़ है, वेस्ट इसका सदुपयोग करें, इसको फेंके कभी नहीं। ये देखिए इस तरह से बन गया है। ये देखिए फर्टिलाइजर को मैं इस तरह से बने हुए दूसरी बाल्टी में छान रही है। ये जो बचे हुए छिलके बचे हैं इनमें वो और पानी डाल दूंगी, इसमें से और निकल जाएगा इसका भी रस। और ये देखिए एक बाल्टी फुल फर्टिलाइज़र की बनके तैयार है। अब इसको कैसे स्प्रे करते हैं वो इस मशीन में डाल के और मैं स्प्रे करके दिखाती हूँ। ये पूरा सॉल्यूशन इसके अंदर भर लिया है मैंने, भी स्प्रे करती हूँ। ये देखिए किसी भी पेड़ में दे सकते हो आप। विटफॉर्म में था जो भी मटेरियल फर्टिलाइजर उसको मैंने स्प्रे करके दिखा दिया है। अब ये जो सूखी हुई और बची हुई थी इसको इस तरह से दिखाती हूँ। ये डालने से इस तरह के ये जो कीड़े होते हैं पेड़ों के अंदर ये भी मर जाएंगे। ये 10-15 दिन में कंपोस्ट होगी ये खाद, तब तक ये पूरे मर जाएंगे इससे। इस तरह से इसमें निराई गुड़ाई करके इसमें ये डाल देंगे। ये थोड़े अभी मेरे सिम्मे हैं बरसात की वजह से सूख नहीं रहे, इसको अच्छे से मिट्टी में दबा दूँगी
तो ये लगभग 10-15 दिन में खाद के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर पौधे हैं अच्छे से ग्रोथ करेंगे। ये मैंने इस पेड़ की जड़ों में, ये आंवले का पेड़ है, इसकी जड़ों में डाला है मैंने कंपोस्ट। आप इस तरह से अपनी वेस्ट चीज़ों से घर पे खाद बना के और पौधों की ग्रोथ बढ़ा सकते हो।